For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. मेरा नाम डॉक्टर इमरान कदीर डार है. आई एम एन ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट. मैं 1988 में रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से MBBS की ग्रेजुएशन के बाद लाहौर में जनरल हॉस्पिटल से हाउस जॉब करके कुछ अरसा मैंने ऑर्थोपेडिक्स में इत्तफाक हॉस्पिटल में काम किया, जहाँ पे मैंने डॉक्टर नसीर, डॉक्टर जी एशा, डॉक्टर तारिक सुहेल, ये सब प्रोफेसर्स के साथ मैंने उस वक्त कुछ अरसा काम किया, जिससे मेरा इंटरेस्ट ऑर्थोपेडिक्स में और बढ़ा. 1991 मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की गर्ज से साउथ अफ्रीका चला गया. मैंने 8 साल साउथ अफ्रीका में यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन के एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग की है. वहीं से मैंने पार्ट वन किया, ऑर्थोपेडिक्स और सर्जिकल रोटेशंस, ICU रोटेशंस वहीं से की हैं मैंने, और देन फाइनल FRCS मैंने इंग्लैंड से किया. उसके बाद मैं दोबारा साउथ अफ्रीका में आ गया और 2 साल मैंने ऑर्थोप्लास्टी और पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स में, टोटल 25 years और मोर ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑर्थोपेडिक्स. फॉर द लास्ट 16-17 years आई एम वर्किंग एज कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स इन टीचिंग टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स. मेरा सारा का सारा एक्सपीरियंस टीचिंग टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशन से है. लास्ट 15 years आई वॉज अ ट्यूटर एंड सुपरवाइजर इन द ऑर्थोपेडिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, और मैं ऑर्थोपेडिक रेजिडेंसी का डायरेक्टर भी रहा हूँ, और मैंने एज एन एग्जामिनर 10 साल सऊदी बोर्ड में सर्व भी किया है. मेरे अक्सर मिलने वाले दोस्त अहबाब पूछते हैं कि ऑर्थोपेडिक्स की सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं. तो ऑर्थोपेडिक्स में एज के हिसाब से प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन हम पेशेंट्स देखते हैं वो थोड़े एल्डरली बैक पेन और नी पेन के साथ पेशेंट देखे जाते हैं. बैक पेन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादातर बग़ैर सर्जरी के फिजियोथेरेपी और मेडिसिन से ठीक हो जाती हैं, और बहुत कम ऐसी होती हैं प्रॉब्लम जिनमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है. जबकि ओल्ड एज में जो नी पेन आती हैं उनमें से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कंप्लेंट्स, डायग्नोसिस ऐसे होते हैं जिनमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है. गो के फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेज और मेडिकेशन हेल्प्स इन लॉट ऑफ केसेस, बट स्टिल अ लार्ज नंबर ऑफ दीज केसेस आर पेशेंट्स, दे नीड सर्जिकल इंटरवेंशन. इसके अलावा कुछ लोग मुझसे पूछते हैं मोस्ट कॉमन सर्जरी कौन सी है. तो आजकल के दौर में, क्योंकि हम हाई स्पीड दौर में रह रहे हैं, तो ट्रॉमा बहुत ज़्यादा है. सबसे ज़्यादा सर्जरी फ्रैक्चर्स की होती हैं. इसके बाद कुछ सर्जरीज जो हैं वो अब जॉइंट रिप्लेसमेंट्स की बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जिसमें नी जॉइंट और हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट शामिल हैं. इसके अलावा बच्चों में जो अर्ली एज होती है, पहले साल में उनको कॉन्जेनिटल एनोमलीज या जिन बीमारियों के साथ वो पैदा होते हैं उनमें से बहुत सारी चीज़ों के लिए सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है. जब बच्चे 1 साल या 1.5 साल की उम्र में आते हैं तो उनमें चोट लगना और मुख्तलिफ फ्रैक्चर्स की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है. बहुत सारे फ्रैक्चर्स बग़ैर ऑपरेशन के ठीक हो जाते हैं, लेकिन इनमें बहुत सारे ऐसे फ्रैक्चर्स भी होते हैं जिनमें बाजू का, कोहनी का फ्रैक्चर है ज़्यादातर शामिल है, जिनमें छोटी मोटी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है. इसके बाद यंग एज में जो स्पोर्ट्स इंजरीज हैं वो कॉमन हैं, उनमें नी और शोल्डर की स्पोर्ट्स इंजरीज कॉमन हैं, जिसके लिए हम आर्थोस्कोपिक अब सर्जिकल इंटरवेंशन प्रेफर करते हैं. अगर लिगामेंट्स की इंजरी इतनी ज़्यादा है कि वो फिजियोथेरेपी से ठीक नहीं हो रहा, तो इन चीज़ों में सर्जिकल इंटरवेंशन आर्थोस्कोपिक सर्जिकल मेथड से की जाती है, जिसमें छोटे छोटे सुराख करके जॉइंट में कैमरा डाल के तो सर्जिकल करेक्शन या फिक्सेशन की जाती है. ये ज़्यादातर जो ऑर्थोपेडिक्स की कंप्लेंट्स हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया है.
इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो हम आपसे शेयर कर सकते हैं। अभी मैंने आपसे जिक्र किया है कि नी आर्थोप्लास्टी और हिप आर्थोप्लास्टी, जिन्हें हम हिप और नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज भी कहते हैं, ये बड़ी कॉमन है। और इन सर्जरीज में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं कि जी इसका टाइम पीरियड रिकवरी का कितना है और हम इन सर्जरी के बाद कितने अरसे बाद अपनी प्रीवियस एक्टिविटी का लेवल गेन कर लेंगे। तो आम तौर पे सर्जरी के बाद 4 से 5 दिन में हम पेशेंट को चला देते हैं फिजियोथेरेपी की मदद से और वो घर चले जाते हैं। कंप्लीट रिकवरी में आम तौर पे 2 महीने लगते हैं जब पेशेंट इंडिपेंडेंटली फुली फंक्शनल और मोबिलाइज हो जाता है। अब इसमें ये है कि ये हाउ लॉन्ग इट लास्ट, कि ये जो सर्जरी करवाई है तो कितना अरसा मेरा जोड़ जो है या जॉइंट जो है वो काम करेगा। तो जो नी जॉइंट है उसकी उम्र तकरीबन 12 से 20-25 साल है। अब 12 से 25 साल एक लंबा अरसा है। उसकी वजह ये है कि इसकी बहुत ज़्यादा जो लाइफ है वो पेशेंट की एक्टिविटी और डॉक्टर की हदायत पे अमल करने पे डिपेंड करती है। अगर वो एहतियात करेंगे तो जो जॉइंट है वो लंबे अरसे तक रहेगा। कुछ लोग पूछते हैं जी मैं दौड़ भागूँ, मैं फुटबॉल खेलूँ, मैं क्रिकेट खेलूँ, तो ये जो भागने दौड़ने वाली गेम्स हैं ये जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद नहीं की जाती। आप चलें फिरेंगे, आपको दर्द नहीं होगी, आपका एक्टिविटी लेवल इम्प्रूव होगा, लेकिन आप भाग दौड़ वाली स्पोर्ट्स नहीं कर सकते। आप गोल्फ़ खेल सकते हैं, आप टेबल टेनिस खेल सकते हैं, लेकिन आप कोई भी भाग दौड़ वाली गेम नहीं कर सकते। ये आम तौर पे पेशेंट्स को एडवाइस की जाती है और पेशेंट फंक्शनली बहुत खुश रहते हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी स्पेशलिटी क्या है। ऑर्थोपेडिक्स इज़ अ वेरी वाइड फील्ड और मेरा आर्थोप्लास्टी में, पीडियाट्रिक्स में और स्पोर्ट्स इंजरी में, डिफॉर्मिटी करेक्शन में बहुत लंबा और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। लेकिन जो सबसे स्पेशल चीज़ और जो स्पेशल स्किल्स मेरे पास हैं वो एसिटेबलम और पेल्विक फ्रैक्चर रिकंस्ट्रक्शन है। इट इज़ वेरी रेयर स्पेशलिटी जो लोग करते हैं। इट्स अ वेरी मेजर सर्जरी। मेरा इसमें बहुत वाइड एक्सपीरियंस है। आई हैव बीन डूइंग दिस सर्जरी फॉर मोर देन 15 इयर्स एंड दिस इज़ समथिंग आई एम रियली गुड एट। और मुझे पता है कि ये बहुत कम लोग, 200-300 ऑर्थोपेडिक सर्जन में से कोई एक ऑर्थोपेडिक सर्जन इस स्पेशलिटी को हाथ डालता है। आई जस्ट वॉन्ट टू रीच टू यू एंड लेट यू नो कि एस्टेबलर और पेल्विक फ्रैक्चर रिकन्स्ट्रक्शन के लिए आई एम अवेलेबल। मैं 2 मुख्तलिफ क्लिनिक्स, जिनमें से एक हॉस्पिटल है, वहाँ काम करता हूँ। अगर आपने अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक करनी है अपनी ऑर्थोपेडिक इश्यू के लिए, तो यू कैन यूज़ मरहम्स प्लेटफॉर्म। ये आपको इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और आपको ये सहूलत भी मुहैया करते हैं कि आपकी अपॉइंटमेंट बुक की जाए। थैंक यू वेरी मच।